वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ डाउट को कैसे हैंडल करना है। अक्सर जब भी हम अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं, चाहे वो नया स्टार्टअप करना हो या कोई टफ एग्जाम क्रैक करना हो या कोई भी और गोल, तो हम कभी कभी सेल्फ डाउट से भर जाते हैं। हमें लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। इस एक फीलिंग की वजह से आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बुरी तरह जज करने लगते हो, अपनी स्किल्स पे आपको भरोसा नहीं रहता, और जो गोल आपने ऑलरेडी चूज किया है, जब आपको उसी पे विश्वास नहीं रहता तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि अब क्या करें। एंड बिलीव मी, दिस फीलिंग इज वर्स देन ब्रेकअप, क्योंकि ब्रेकअप में तो सिर्फ दिल टूटता है, पर जब ये सेल्फ डाउट वाली फीलिंग किसी पे हावी हो जाए तो ये इंसान को अपनी ही नज़रों में गिरा देता है। इंसान खुद को वर्थलेस समझने लगता है। लोग इजीली इस फीलिंग से ओवरकम कर जाते हैं, पर कुछ लोगों के लिए ये एक कांस्टेंट स्टेट है। सेल्फ डाउट की दो साइड हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेल्फ डाउट की पॉजिटिव साइड ये है कि ये आपको अनरियलिस्टिक गोल के पीछे भागने से रोकता है। फॉर एग्जांपल, आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो सही हैबिट्स, मोटिवेशन और सही स्किल सेट अगर नहीं है पढ़ाई के लिए, तो आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। अगर टाइमली किसी को ये रियलाइजेशन हो जाती है तो ये सेल्फ डाउट आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। कभी कभी ये आपके लिए एक आईने की तरह करता है, जो आपको आपकी कमियों को दिखाता है, सो देट आप खुद को चेंज कर सकें। और बहुत सारे लोग अपने प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए खुद में चेंज लाते हैं और एक बेटर इंसान बनते हैं। और सेल्फ डाउट की नेगेटिव साइड ये है कि आपके पास वो एबिलिटी होती है अपने सेट किए हुए गोल को अचीव करने की, पर आपको खुद पे भरोसा नहीं होता कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं। वैसे तो ये फीलिंग सबको कभी ना कभी होती है, पर कुछ लोग जल्दी ही ओवरकम कर लेते हैं। पर ये प्रॉब्लम तब बन जाती है जब ये फीलिंग कांस्टेंट हो जाए। सेल्फ डाउट बेसिकली हमारी इनसिक्योरिटीज की वजह से पैदा होता है। अगर हमारा वेट थोड़ा ज्यादा है, या हम दिखने में अच्छे नहीं हैं, या हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, सबके अंदर किसी न किसी चीज को लेकर इनसिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से सेल्फ डाउट क्रिएट होता है और फिर हम बुरी तरह खुद को जज करने लगते हैं। सेल्फ डाउट का जो दूसरा रीजन है वो है कंपैरिजन। अगर कोई और इंसान हमसे किसी काम में बेहतर है तो हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। अगर कोई आपसे किसी काम में बेहतर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे हर काम में बेहतर होगा। ये अज्यूम करना बंद कीजिए। अगर किसी की लाइफ का एक एस्पेक्ट अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक इंसान किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, जस्ट लाइक यू। ये छोटी सी रियलाइजेशन काफी है ये समझने के लिए कि दूसरों से खुद को कंपेयर करके कोई फायदा नहीं। अगर आपने खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दिया तो आधा सेल्फ डाउट तो वहीं पे खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, खुद को इतना जज करना बंद कीजिए। जब आप खुद को नेगेटिवली जज करते हैं तो आपका सेल्फ परसेप्शन भी नेगेटिव हो जाता है। अगर आप ये चीज़ बार बार करेंगे तो ये एक आदत बन जाएगी और आप एक ऐसा इंसान बन जाएंगे जिसे कोई भी दबा सकता है, जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है। क्योंकि खुद की नज़रों में ही जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, दूसरे उसकी वैल्यू क्यों करेंगे। सबके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ को अचीव करने के लायक नहीं हैं। कमियां हैं तो उन्हें सुधारो, पर उन कमियों की वजह से खुद को दूसरों से नीचा मत समझो। ऑब्वियसली तुम्हें अपनी कमियों को लेकर अवेयर रहना है और उनको सुधारना है, इंस्टेड ऑफ हार्शली जजिंग योरसेल्फ। इन कंक्लूजन, सबसे पहले आपको कंपैरिजन नहीं करना है, और अगर कमियां हैं तो उन कमियों को सुधारना है, इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग दैट यू आर वर्थलेस।